अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। आज मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बनाने वाली हूँ, सब्जी। देखें जी, आज मैं बनाने वाली हूँ कचनार। ये देखें, ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह। और इसके लिए मैंने लिया है दही, चिकन लिया है मैंने 1/2 kg, ये आलू ले लिए हैं 1/2 kg मैंने, सब्ज़ मिर्ची ली है 4 से 5, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, 3 मैंने टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट खाने का 1.5 चम्मच लिया है मैंने, प्याज मैंने 2 लिए हैं, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच नमक और खाने का पूरा चम्मच मिर्च ली है, और ये 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है, 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। तो चलो बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तरीका भी बहुत आसान सा है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये वो सब्ज़ी है जो 1-2 महीने के लिए आती है, लेकिन बाद में भी हम इसे याद करते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह। जी, ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याजों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वैसे बन सकती है, चाहे आलू डालें चाहे चिकन डाल के बना लें, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमारे जो इधर चिकन भी डालते हैं आलू भी डालते हैं, पसंद करते हैं सारे ऐसे। ये देखें, प्याजों का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखें, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डाल दिया, अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। जब मसाला भून रहे होते हैं इतनी प्यारी प्यारी जी खुशबू आने लग जाती है इसके अंदर से।
देखो जी काफ़ी बनाई हो चुकी है इसकी। कचनार मैंने 1 kg ली थी, पहले मैंने इसे साफ़ कर लिया था अच्छी तरह, साफ करके फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। देखिए काफ़ी भुनाई हो चुकी है इसकी। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, बिस्मिल्लाह। अब इसके 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करके थोड़ी फिर इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी। तो ये देखें इसकी मैंने तकरीबन 3 मिनट तक बुनाई कर ली है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखना है आपने। अब मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी इसके अंदर। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगाना आपने, ऐसे हल्की हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए जी इसकी मैंने भुनाई कर ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ये देखो आलू डाल दी इसमें। अब मैं इसमें दही डालने लगी हूँ। दही डालने से बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका। दही डाल के मैंने इसकी तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई की है। अब मैं इसमें कचनार डालने लगी हूँ जी। ये देखें अब मैं कचनार डाल दूँगी इसके अंदर। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी नहीं लगाना, इसके अंदर जो मैंने दही डाली ना, दही का काफ़ी सारा पानी है इसके अंदर, उसी के अंदर ये गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक दूँगी हल्की आंच पर, दम दे देंगे। तो फिर देखते हैं इसको। ये देखें इसे रखे मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोला है, थोड़ा सा हिला दूँगी इसको ज़रा। अभी पानी है इसके अंदर, 5 मिनट और लगेंगे तो ये सारे
गल जाएगा। ये दही का पानी है इसके लिए। अगर आप पानी लगा के बनाओगे इसे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे, फिर घुल जाएगी। तो जी माशाल्लाह जी कचनार हो चुकी है तैयार। आज की रेसिपी हो गई है मुकम्मल। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।